हाँ तो भाई, जैसे कि आपको पता है कि पोको की तरफ से जल्दी हमें इंडियन मार्केट में पोको F5 5G लॉन्च होते हुए देखने को मिलने वाला है। आज हम इस वीडियो में इस फोन के बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं, इसके स्पेसिफिकेशंस क्या है, प्राइस पॉइंट क्या है, और ऑफिशियली पोको की तरफ से कंफर्म किया जा चुका है कि हमें इंडियन मार्केट में 9 मई के दिन लॉन्च होते हुए देखने को मिल जाएगा। तो थोड़ी स्पेसिफिकेशंस पर चर्चा कर लीजिए। तो भाई देखिए, ऑलरेडी चाइना में रेडमी नोट 12 टर्बो एडिशन के नाम से लॉन्च हो चुका है, बस उसी को खाली नेम चेंज करके इंडिया में पोको F5 के नाम से ला दिया जाएगा। बात की तो यहाँ पर हमें 6.67 इंच की एक फुल प्लस 120Hz रिफ्रेश रेट में एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमें HDR10 का सपोर्ट, वाइड 1L1 सर्टिफाइड देखने को मिलेगा, और बीच में एक पंच होल कैमरा, कटआउट और नॉच देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही ज्यादा तगड़ा शानदार होने वाला है। बात की जाएगा प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे हमें Qualcomm Snapdragon का 7+ Gen 2 वाला प्रोसेसर, UFS 3.1 की स्टोरेज टाइप, LPDDR5 की RAM टाइप देखने को मिलेगा। मतलब भाई ये जो प्रोसेसर है ये 700 सीरीज में समझेगा भाई, ये 8+ Gen 1 जितना कैपेबल है डेली टू डे लाइफ परफॉर्म करना, वो कोई हैवी काम करना हो, मल्टीटास्किंग करना हो, एकदम भाई मक्खन की तरह आपको ये जो प्रोसेसर की पावर निकाल के दे देगा। और अगर बात कीजिए कैमरा सेटअप के बारे में, तो भाई यहाँ पे बैक में 50 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप, 50 MP का मेन कैमरा, जहाँ पे हमें OIS एंड ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को मिल जाएगा, सोनी का सेंसर देखने को मिल जाएगा, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल और 2 MP का बहुत ही महत्वपूर्ण माइक्रो सेंसर, और फ्रंट में हमें यहाँ पे 16 की सेल्फी देखने को मिलने वाला है। तो भाई कैमरा जो है बहुत ही ज्यादा तगड़ा शानदार धमाकेदार होने वाला है। जाके बैटरी और चार्ज के बारे में, तो यहाँ पे हमें 5000 mAh की बैटरी, जो फोन ये 67W का फास्ट चार्जर का सपोर्ट करेगा, और जो चार्जर है वो हमें बॉक्स में ही देखने को मिल जाएगा। बात कीजिए UI के बारे में, तो भाई यहाँ पे हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 और MIUI 14 पे रन करता हुआ देखने को मिल जाएगा, पोको लॉन्चर देखने को मिल जाएगा, हल्का थोड़ा कुछ एड्स और ब्लूटूथ करेंगे जिसे आप मैनुअली अनइंस्टॉल या डिसेबल कर पाओगे। बात की जाएगी सेंसर्स के बारे में, तो भाई देखिए यहाँ पे AMOLED पैनल देने के बावजूद भाई ये साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देने वाले, पोको MI ये सब भाई यही कॉस्ट कटिंग करती है। अब साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक का सपोर्ट, USB टाइप सी का पोर्ट, यहाँ पे डुअल स्टोरेज स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें ओनली ऑन डुअल सिम कार्ड का सपोर्ट ही देखने को मिलने वाला है। बात कीजिए भाई रैम वेरिएंट के बारे में, तो जो इसका वेस्ट वेरिएंट होगा 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में देखने को मिलेगा, जस्ट वेरिएंट 12-256 के साथ में हमें देखने को मिल जाएगा। जो बेस्ट वेरिएंट की प्राइसिंग है हमें अंडर 30,000 यानी 28,000 रुपये हमें प्राइसिंग देखने को मिल जाएगी, और भाई 28,000 की प्राइस रेंज के आधार पर वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। सब कुछ भाई टॉप ऑफ द नॉच हमें देखने को मिल जाता है, चाहे प्रोसेसर हो, डिस्प्ले हो, कैमरा हो, UI थोड़ा हल्का कुछ ढीला ढाला है, बट हम काम चला लेंगे, और सारे के सारे लगभग हमें यहाँ पे सेंसर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए गाइस, अगर आप वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं, सुनर एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।